एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ भी दे दो कुछ, उनके तो आगे स्पाइडरमैन कपड़ा या बेचारे कुछ ना मिला। यार डॉक्टर का भेजा मंगवाओ यार। एक मौसमी में से इतना सा निकला। अच्छा 20 रुपया में पूरा ग्लास भर लो, बड़ा वाला वो भी बड़ा वाला। बताओ घर में निकालने क्या फायदा हो फिर? 2 किलो दिखाई है मौसमी, 1 किलो, 1.5 किलो संतरा है। संतरा तो 1 किलो तो ऊपर है, तो ये तो बच रहे 1 किलो तो ये लेंगे। 150-200 रुपए में 80 रुपए किलो दिया संतरा। तो गिलास भी दिया, हमें 4-5 भर जाएंगे। उतने का ही तुम्हारा जूस वैसे निकला था। पानी भी मिला, पानी मिला और का हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं गांव फिर से भरोटा, सबको दर्शन कराते हैं और आगे दिखाएंगे आज का पूरा ब्लॉग। तो ये पहला ब्रेक लग गया पेट्रोल पंप पे, यहाँ पे हवा वगैरह फिल हो रही है इसमें। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आज पापा जा रहे थे और कान्हा के पापा जा रहे थे, फिर मम्मी ने कहा मम्मी भी आ जाएंगी। जब सब जा रहे थे तो मैंने और दीदी ने भी प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि बच्चे तो मानते नहीं, ये भी जाते ही, तो इसलिए फिर से हमारा प्रोग्राम बन गया जल्दी जल्दी। और मेन बात ये होती है जहाँ बुलावा होता है वहाँ जल्दी हो या लेट जाना ही पड़ता है। और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप लगेगा पलवल, जहाँ हम लेंगे अमरूद और उसके बाद एक और जगह रुकेंगे। अमरूद ना तो एक हाल लेके बैठ का दो तुम ले लो, मेरा मुझे भी भर दो, ले लो डिजाइन भी खरीद के ले लो, तुम ले लो अमरूद, खा लो अमरूद, देखे हम तो लगाए नोते ना खा के ले अच्छा है, मुंह थोड़ा कच्चा सा दिया हरा सा कच्चा सा यार छोटा सा छोटा अच्छा नहीं है यार, मैं मन लगाया ये भी लगा रहा ले अपने पकड़ अच्छा नहीं है डुबक नहीं लगा हूं कर ले ले आराम से खोलियो। क्या कर रहे हो रे? ओले 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 वो कैमरा को खान सब कैमरा को तेरे तेले नहीं तेले और ये। तो ये वही होटल था रास्ते में जहाँ रुके थे, जहाँ पे पहले लास्ट टाइम भी हम रुके थे, यहाँ पे रैबिट वगैरह थे बच्चों के लिए। और अब हम पहुँच गए हैं गांव के पास ही, शाम हो गई थी, हमें काफ़ी लेट हो गए थे, ट्रेन से चल के हुए हैं। ये कैसी आवाज कर रही है? और है ना बाद में बात देख
अंदर बंदर गाड़ी में रहेगा, बंदर गाड़ी में। राहुल की मम्मी बहुत साल पहले एक जगह रुके थे रात में, मैंने कर्द कर रुकने के बाद में क्या हुआ, रजाई ऐसे तो मैं जू जू भर रही मतलब इतनी तैर गई जू को लपटान पे, मुझे रात भर सो नहीं गया थी। कितने झूठे ने बोला इतनी जगह रजाई में जू का सो जाएंगे, खटमल हो सका तो लास्ट टाइम मुझे काफी ज्यादा कमेंट आए थे ये किसका घर है, यहाँ कौन रहेगा। तो ये मम्मी पापा ने एक अपना छोटा सा फार्म हाउस टाइप से बना लिया है, छुट्टियों में कभी आ जाए, बस कोई परमानेंटली यहाँ नहीं रहेगा, कभी कभार आने जाने के लिए। खा लिया बेटा, नानी बना के ले आई थी इनके लिए, और यहाँ पे देख कितना अंधेरा हो गया। ये है पूरा सिया का खेत, और मैं आपको अब दिखाता हूँ अपना स्विमिंग पूल। ये अगला पूरा स्विमिंग पूल, और यहाँ से लेके उड़ा था जब पहले आया ना, तो मैं देखा तो पूरा रात। ये जो समझते हैं पीपल का पेड़ है, नहीं ये जामुन का पेड़ है, सब बहुत सारे लोग सुनेंगे पीपल का पेड़ नहीं, ये जामुन का। ये मामा गली जो है ना, ये दूसरे कुत्ता ने रोटी मिसिंग खा जा, ये मशानी है। पहले थोड़े से बड़े को, फिर थोड़े छोटे को, फिर सबसे छोटे को, ऐसे करती है। छोटे अभी खा रहो तो भूखो मर रहो, ज्यादा मत खवा दीजिए। इसको हाथ में बिठाओ, ये अपने घर ले जा तू, हां तू वो खा जाएगी। मैं यहां न्यू और मत कह, तो घर ले जा। वो देख रही पूछ हिला रही खाने की फिराक में, खाए खोए तो नहीं यू या खाने बैठ के खा रहा हूं, तो देख कैसे मजे आता। जाकू इनको दो दो रोटी सेक दे, पूछे तू ना नहीं है यहाँ मिकी, तुझे स्वेटर बना दो। अब निकाल लेती थैला भीतर को, सॉल वॉल की जरूरत पड़े तो। कुछ है ना का मंदिर अंदर? मंदिर है, बाबा है, नदी खा दिया बाबा तो चले। हम पहुंच गए घर और हमारा डिनर रेडी है, चाउमीन डोसा मंगा लिया पहले ही।
गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हो रही है इवनिंग और आज संडे है। बच्चे अच्छे घूम घाम के आ गए, मैं भी सो के उठी आज काफ़ी देर से, दिन में कई घंटे नैप लिया। हमारे ऑरेंजेस आ गए हैं, जूस बनता है इनका डेली, और फ्रूट्स खा लीजिए। अभी ये खा पी के अपना शाम का रूटीन स्टार्ट करेंगे, तो मैंने सोचा चलिए व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आगे जिंदगी का बस एक मकसद रहेगा अब, खाना चीकू का बर्थडे मनेगा। और उसके बर्थडे केक में क्या लिखेगा? इसके बर्थडे पे केक पे लिखेगा चिमकांडी। चिमकांडी मम्मी निकाली है, दोनों घुस गए सारे बेड के नीचे सारे। मिकी बाहर निकलो, तुम गा ले हो के पेरेंट पे से बाहर निकलो। कौन है घर में कचरा तेरे में? हैं रिंकी आगे पापा की पिंकी आगे पापा है। मेरे लिए बड़े पापा ने बहुत कुछ किया है, मैं उनके लिए कार्ड बनाऊंगा और उन्हें कुछ 600 गिफ्ट दूं। बहुत कुछ लाते हैं जैसे कि टॉय वॉय। हमारे बर्थडे पे मेरे बड़े पापा ने बहुत कुछ किया है मेरे बर्थडे पे, तो मैं भी उनके बर्थडे पे कुछ करूंगा। रात ही कर रहा हूँ प्लानिंग से तो महीने भर पहला बना के धर ले जोगिंदर। आईफोन की वॉच देनी पड़ेगी, खाना है तो बहुत ही महंगी आ जाएगी, बजट बिगड़ जाए। बजट से बाहर है वो तो, पैसे जोड़ने शुरू कर दे फिर ऐसा कर, रोज आज से रोज 500 रुपए बड़े पापा से लेके आए कर। जब जाके बड़े पापा से जितने दिन बचे हैं ना उसके हिसाब से 500 रुपए बड़े पापा से और 2000 रुपए दादी से ले गए जब पूरा पड़े। सुन 500 रुपए बड़े पापा से और 500 रुपए पापा से, 500 दादी से और 500 दादू से, ठीक है 1.5 लाख दादी से, 350,000 लाख मैं पापा से, ठीक है 300,000 की लाख करोड़ मम्मा से, ठीक है और 10 रुपए अभी क्या मैं तेरी बात रिकॉर्ड कर रही हूँ दीदी, पिंकी दीदी या व्लॉग दिखाई है छोटे दादू है, ठीक है जी। मैं सब रिकॉर्ड हो रहा है फिर बताएंगे तो देख के व्लॉग है जो कहेंगे आ जा तू अब जो थोड़ा बहुत फोन मिला है ना उनको देखने को बंद हो जाएगा। गिफ्ट एक ऊट गेंद ना आईफोन की वॉच। आईफोन की वॉच पैसे कैसे किससे लेगा बेटा? कम से कम वो 20-25 हजार की आएगी, 5 हजार की नहीं आएगी, 20 हजार की क्या? हाँ 20 हजार की
और 20 ही दिन मुश्किल से बचे हैं, बड़े 15 ही दिन बचे हैं और 20,000 रुपए रोज, 1,000 रुपए तू अपना पेट काट के भी जोड़ेगा जब भी नहीं जुड़ पाएंगे। पिज्जा चिप्स सब चीज तू कैंसिल कर कर उन पैसों को बचाए ना, जब भी 1,000 रुपए नहीं हो पाएंगे काना क्या होगा। मैं क्यों सोचू, कार्ड का क्या करेंगे बड़े पापा भाई, सबसे सस्ता कार्ड दे, कार्ड तो चलो चल जाएगा पर कार्ड का करेंगे क्या बड़े पापा। अब तू बता क्या देगा, ढोलक तो पापा क्या करेंगे, संडे बजाई करेंगे पापा बजाएंगे हाँ, और मम्मी की नाचेगा